हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल हाउ टू सिंपलीफाई एजुकेशन। इस चैनल पर आपको मिलेंगे पीएस टेट, सी टेट, यूपी टेट और सभी स्टेट्स के टेट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स, ताकि आप अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर सकें। यह सभी नोट्स आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हम एजुकेशन और टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाते हैं, तो जहां पर टीईटी से रिलेटेड जो नई न्यूज़ निकल कर आ रही है, बदलाव टीईटी में स्नातक स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। यह नई न्यूज़ निकल कर आ रही है और न्यूज़ है अब टीईटी में ग्रेजुएशन लेवल के सवाल पूछे जाएंगे। आइए इस न्यूज़ को पूरा देखते हैं। स्कूली शिक्षा विभाग शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इस बार की परीक्षा में पहली से पाँचवीं के लिए इंटर और छठी से आठवीं कक्षा तक के लिए स्नातक स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। इस साल होने वाली टीईटी परीक्षा में इसे लागू किया जाएगा। टीईटी के सर्टिफिकेट की मान्यता 7 वर्ष रहेगी। बता दें कि इससे पहले राज्य में होने वाले टीईटी में पाँचवीं कक्षा तक के लिए मैट्रिक और छठी और आठवीं कक्षा तक के लिए इंटर स्तर के प्रश्न आते थे। इस बार छठी से आठवीं के टीईटी में अभ्यर्थी जिस विषय में स्नातक होंगे उसे मुख्य विषय रखकर परीक्षा में बैठेंगे। परीक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ साथ पढ़ाने के तरीके और उसकी अभिरुचि से जुड़े भी सवाल पूछे जाएंगे। अगस्त से प्रक्रिया शुरू होगी। टीईटी के लिए अगस्त से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। विभाग जुलाई के अंत तक नियमावली में बदलाव कर कैबिनेट भेजेगा। वहां मंजूरी के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल को अधिसूचना भेजी जाएगी। जय इसके आधार पर ऑनलाइन आवेदन पत्र लेगा और नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत करेगा। दो बार हो चुकी है परीक्षा। झारखंड में टीईटी 2012 और 2016 में हुई है। 2012-13 की टीईटी में 66,000 और 2016 में 53,000 अभ्यर्थी पास हुए। 2012-13 में क्वालिफाई कर चुके अभ्यर्थियों में से 16,000 अभ्यर्थियों की शिक्षक पद पर बहाली भी हुई। 2016 में पास अभ्यर्थियों के लिए नई नियुक्ति प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है।